दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच एक बड़ा सर्वे सामने आया है और इस सर्वे में जिस नेता का नाम निकलकर सबसे लोकप्रिय कैंडिडेट के तौर पर सामने आया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दैनिक भास्कर के उस सर्वे की जिसमें तमाम उम्मीदवारों के नाम खोजे गए हैं, तमाम उम्मीदवारों पर वोटिंग हुई है और तय ये किया गया है कि आखिर सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में कौन है। पूरे देश में यह सर्वे हुआ, सबसे बड़ी बात। और इस सर्वे में धर्मेंद्र यादव उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। जी हाँ, यह आपको चौंका सकता है क्योंकि तमाम बड़े नाम, तमाम बड़े चेहरे, यहाँ तक के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे डिंपल यादव हो या फिर सैफी परिवार के तमाम अन्य सदस्य हो, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे हो, सबको पछाड़ते हुए दैनिक भास्कर के इस सर्वे में सबसे बड़े नेता के तौर पर किसी चेहरे का नाम उभरा है तो वो है धर्मेंद्र यादव। जी हाँ, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दैनिक भास्कर ने ये पूरा सर्वे किया और इसके रिजल्ट जब आज सामने आए तो हर कोई चौंक गया। बदायूं लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव को सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी माना गया है। ये सर्वे सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में किया गया और तमाम ऑनलाइन वोट्स के जरिए जानने की कोशिश की गई कि आखिर किस चेहरे को वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इस सर्वे की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस के नेता है रोहतक सीट पर, उन्हें 89% वोट इस बात पर दिए गए कि उनकी लोकप्रियता पब्लिक के बीच कितनी है। और सबसे बड़ी बात, धर्मेंद्र यादव इस लिस्ट में पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। बदायूं से 88% जो वोट उन्हें मिले हैं वो इस बात के लिए कि वहां के जो तमाम वोटर्स हैं वो ये चाहते हैं, उनमें से 88% ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र यादव बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़े। इसके अलावा इस लिस्ट में आगे राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, अन्नू टंडन, संजय झा और डिंपल यादव का नाम 7वें नंबर पर है, जयंत चौधरी का 8वें नंबर पर और अखिलेश यादव का नाम 9वें नंबर पर है। इसके बाद चिराग पासवान, आनंद भदौरिया, आरके सिंह, डॉक्टर अजय कुमार, राजा राम पाल और चिराग पासवान के नाम है। यानी कि सर्वे अपने आप में चौंकाता है। जिस तरह से धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने बदायूं से हटाकर और लोकसभा का प्रभार दिया है कन्नौज और आजमगढ़ के लिए, यानी बदायूं से शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सर्वे के आंकड़ों को देखा जाए तो बदायूं से सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार न सिर्फ बदायूं से बल्कि देश भर में किए गए तमाम सर्वेज में बदायूं सीट पर धर्मेंद्र यादव की लोकप्रियता नंबर 2 पर आकी गई है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोकप्रियता आकी गई है। इस स्थिति में आखिर क्यों समाजवादी पार्टी ने बदायूं से धर्मेंद्र यादव को हटा दिया। इस बीच बदायूं से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम युवा कार्यकर्ता इस बात की मांग उठा रहे हैं कि बदायूं से ही धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाए, उन्हें इस सीट से हटाया ना जाए, उन्हें आजमगढ़ या कन्नौज न भेजा जाए, इस बात की मांगे भी उठ रही है। बहरहाल इस सर्वे में बाकी और कुछ क्या निकल कर आया है वो भी आप समझिए। लोकसभा की 543 सीटों में से 48% सीटों पर लोगों का मूड बताने वाला ये सर्वे है और इसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। कई सीटों पर लोगों ने पार्टी टिकट के दावेदार चेहरों को नकार दिया और तमाम नए चेहरों को उन्होंने स्वीकार किया है। साथ ही विकल्प दैनिक भास्कर ने दिया था अन्य का, तो अन्य को भी काफी ज्यादा वोट इस सर्वे में मिले हैं। जो लिस्ट हमने आपको दिखाई थी वो 14 नेता ऐसे हैं जिन्हें वहां की जनता स्पष्ट तौर पर चाहती है कि वहां से उम्मीदवारी करें। बहरहाल उत्तर प्रदेश के लिहाज से सबसे चौंकाने वाला नाम धर्मेंद्र यादव के तौर पर ही सामने आया। धर्मेंद्र यादव की लोकप्रियता बदायूं में किसी से छुपी नहीं है और इस सर्वे ने भी इसी बात पर मोहर लगाई है। ऐसे में उन्हें बदायूं से कन्नौज या आजमगढ़ भेजने की तैयारी समाजवादी पार्टी की ओर से जो की जा रही है, क्या ये फैसला सपा के लिए गलत साबित हो सकता है आने वाले वक्त में? इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बहरहाल इस सर्वे को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस सर्वे पर आपकी क्या राय है और इस सर्वे से क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो बदल जाएगी, क्या समाजवादी पार्टी अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।